स्प्रिंग इज द सीजन द वे। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपके? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज वो दोस्त ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे जिनको मेरी कुकिंग वीडियोस देखना अच्छा लगता है। आज के इस वीडियो में मैं आने वाले 5 दिन की हमारी डिनर की थाली आपके साथ शेयर करूंगी एंड क्विक सी रेसिपीज़ भी। मैंने कई बार अपने व्लॉग्स में आपको बताया है कि हम एक ही मील अच्छे ढंग से खाते हैं, बाकी टाइम हम छोटी मोटी चीज़ें ही खाते हैं क्योंकि कम खाना चाहते हैं। एंड ये जो डिनर होता है हमारा, हम कोशिश करते हैं 5:30 से 7:30 के अराउंड कर लें ताकि जब हम सोने के लिए जाएं हमारा पेट ऑलमोस्ट खाली जैसा हो। सो, मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही ज़्यादा बेसिक देसी इंडियन पंजाबी स्टाइल मील जो कि बहुत कम्फर्टिंग है। मैंने देखा है कि जब आप कहीं पे बाहर जाते हैं या दुनिया में किसी भी कोने पे चले जाओ, 2-3 दिन के बाद आपको ये कंफर्ट फूड चाहिए ही होता है। स्पेशली भिंडी एंड ये मूंग की दाल सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगती है हमें। और घर में खाना बनाने का सबसे ज़्यादा अच्छा ये है कि आप हर एक इंग्रेडिएंट, हर एक स्पाइस इतने प्यार से चुन के एक मील को तैयार करते हैं जो कि आपके टेस्ट बड्स को तो मज़ा देता ही है पर आपकी सोल को एंड आपकी बॉडी को भी संतुष्ट कर देता है। एंड जल्दी से शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना कंसिडर करिएगा, बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हूँ मैं। एंड इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बार में छोड़ सकते हैं। अगर एंड ऑफ द वीडियो आपको ये अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, उससे मुझे बहुत मदद मिलती है। एंड अगर आप मुझसे ज़्यादा कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, सारे ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड जो भी चीज़ें इस वीडियो में मैं यूज़ करने वाली हूँ उनका लिंक मैंने क्रिएट किया है अमेज़ॉन स्टोर, उसका भी नीचे छोड़ दूंगी ताकि आप अगर कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहें एक लिंक को क्लिक करें एंड आप वो चीज़ें खरीद सकते हैं। सो, मंडे की थाली में होने वाली है मूंग की दाल, भिंडी मिक्सचर, मूंग एंड मसूर की दाल का इक्वल मिक्सचर ले रही हूँ। ये बहुत बड़ी कटोरी है, मैं इसलिए ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि जब हिम्मत सुबह खाना खाता है तो उसे ये दाल के परांठे बहुत अच्छे लगते हैं, मिस्सी रोटी बोलते हैं हम उसको। सो, प्रेशर कुकर में इस दाल को कुक कर लेंगे। जितनी दाल की क्वांटिटी होगी उससे 3 गुना आप पानी ऐड करें, सीजनिंग ऐड कर दें, सॉल्ट पेपर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। आप देखेंगे कि जितनी भी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ सीजनिंग मैं हर एक में सेम ही डालती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करती हूँ। अभी ये जो दाल है बहुत ज़्यादा क्विकली हो जाती है तो आप ज़्यादा वेट मत करें, जल्दी से अगर सीटी नहीं बजाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप बंद भी कर देते हैं तो एक ही के बाद खोल लेना क्योंकि अदरवाइज़ ये आटा जैसी हो जाती है वो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सो, दाल हो रही है, दूसरी तरफ भिंडी की तैयारी कर लेते हैं। भिंडी को मैं अच्छी तरह वॉश कर लूँगी एंड सुखा लूँगी क्योंकि भिंडी में अगर पानी हो तो वो लेज़दार बन जाती है, तो सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर टॉवल से इसको अच्छी तरह ड्राई कर लेंगे, देन भिंडी को काट लेंगे। घर में फूड बनाने का ये है कि आप बहुत प्यार से, लव से फूड बनाते हैं, एक कनेक्शन बन जाता है आपका फूड के साथ, और जब आप वो फूड किसी को फीड करते हैं उससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं होता है। और इसीलिए सबको घर का बना हुआ खाना इतना अच्छा लगता है क्योंकि घर में जो भी बंदा बनाता है बहुत प्यार से बनाता है, उसे पता है ये जो खाना खाएंगे मेरे प्यारे बंदे ही खाने वाले हैं। सो, ये एक अलग सी खास बात है घर में बने हुए खाने की। सो, तड़के की तैयारी भी मैं एक साथ ही कर लूँगी। इसमें मैं डालने वाली हूँ, सो दाल को तड़का लगाएंगे एंड भिंडी को। हम लोग पंजाबी दाल को भी तड़का लगाते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि कई लोग सिर्फ दाल को बॉईल करके जीरे का छौंक ही लगा देते हैं ग्रीन चिलीज डाल के, पर ढाबे में जो मिलते हैं दाल तड़का, हम हर दाल ऐसे ही बनाते हैं, मतलब पूरी तड़के वाली। सो, इसमें मैं डालने वाली हूँ अनियन, ग्रीन चिल्ली, जिंजर एंड टमेटो। सो, इसका मैं एक ही साथ मिक्सचर बना लूँगी ताकि दोनों चीज़ों को तड़का एक ही बार लगा दें। वैसे मैं भिंडी में चंक्स ऐड करना पसंद करती हूँ टमाटर के, बट आज काली है तो जल्दी से यही कर देंगे। और ये फूड प्रोसेसर देखिए, इसके 2 सेक्शन हैं तो आप दोनों काम एक ही समय पर कर सकते हैं। इसका लिंक भी अमेज़ॉन स्टोर फ्रंट पर है अगर आप
चाहें इसको ख़रीदना। तो तड़के की तैयारी करते हैं, दोनों तड़के भी एक ही साथ लगा दूंगी। मैंने दो पैन रख लिए हैं एंड भिंडी को मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाऊंगी एंड दाल का तड़का मैं ऑलिव ऑयल में लगाऊंगी। सो जब ये थोड़ा गर्म होता है तो इसमें हम जीरा ऐड कर देंगे। जब जीरा क्रैक होता है इसमें गार्लिक ऐड कर देंगे। गार्लिक को थोड़ा सा कुक करके जब तक वो ब्राउन होगा तो अनियन ऐड कर देते हैं। अभी मैंने मस्टर्ड ऑयल में कुछ डाला नहीं क्योंकि उसकी कड़वाहट के लिए मैं उसे पूरा हीट करती हूँ और उसके बाद ठंडा करके कुछ करती हूँ। ये जो मैंने स्लाइस किए हैं अनियन की वो ऐड कर दूंगी। सो हमारे अनियन हो रहे हैं कुक और इसमें मैं ऐड कर दूंगी सीजनिंग। अगेन सेम ही सीजनिंग होने वाली है, सॉल्ट, पेपर थोड़ी सी। मुझे हर चीज़ में थोड़ी काली मिर्च ऐड करना बहुत अच्छा लगता है, अच्छी होती है वो आपकी हेल्थ के लिए। अभी रेड चिल्ली ऐड करेंगे, थोड़ी हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और इसको कुक होने देंगे। जब ये थोड़ा तेल छोड़ देगी हम इसमें टमाटो की प्यूरी ऐड कर देंगे। सो टमाटर की प्यूरी हो रही है कुक एंड मैं जल्दी से भिंडी वाले मसाले में थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देती हूँ। मैं फ्रेश नहीं ऐड करती हूँ क्योंकि उसमें इतनी ज़रूरत नहीं होती है, उसका अपने से फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। सो थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट करके मिक्स कर देंगे एंड देन मैं भिंडी को ऐड करके उसे अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी सारे मसाले में कोट करके। एंड मेरा ये दाल का मसाला भी यहाँ पे हो चुका है, इसे भी हम कुक दाल में ऐड कर देंगे एंड देन धनिया ऐड करके इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। अभी हमारी दाल तैयार है, भिंडी को होने में समय लग रहा है थोड़ा, तो मैं उतनी देर में ये मैं छोटे छोटे अनियन लेके आई थी क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं ना देसी खाने के साथ, तो इसको मैं सिरके वाले अनियन बना लेती हूँ। उसको छीलने में बहुत समय जाता है पर ये पिद्दे पिद्दे अनियन स्वादिष्ट बहुत लगते हैं। सो इसको मैं छीलने के बाद इसमें ऐड करती हूँ हाफ क्वांटिटी विनेगर की, वाइट विनेगर की, एंड बचा हुआ हाफ मैं गरम गरम पानी ऐड करती हूँ। उससे बहुत मज़े के बनते हैं ये सिरका अनियन और ये 1 वीक तक गुड है, आपकी फ्रिज में आप रख सकते हैं एंड हर एक मील के साथ सर्व कर सकते हैं। अभी मेरी भिंडी हो रही है तैयार तो मैं आटा गूंद लेती हूँ जल्दी से। एंड आटा गूंदने के लिए कोई ख़ास टिप नहीं है, बस यह है कि पानी को धीरे धीरे ऐड करते जाएं एंड धीरे धीरे मलते जाएं आटे को, इससे लम्ब्स नहीं बनते हैं एंड बहुत अच्छा आटा गूंदा जाता है। एंड मेरी मम्मी कहती थी कि जब कोई आटा गूंदता है ना वो उससे पता चलता है जो जिस बर्तन में वो गूंद रहा है वो बर्तन बिल्कुल गंदा ना हो, लाइक आपके आटा गूंदते गूंदते वो बिल्कुल क्लीन हो जाना चाहिए। सो आटे को अच्छी तरह मल के मैं 10-15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ एंड देन फिर से इसको एक बार एक दो बार मुक्कियाँ मारेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा बहुत अच्छा। एंड कई बार मैं आटा गूंद नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे हाथ में दर्द होता है ना, तो हस्बैंड मेरी हेल्प कर देते, उनको मैंने काइंड ऑफ सिखा दिया है। बहुत अच्छा नहीं गूंदते हैं बट ओके है, लाइक टाइम पास किया जा सकता है। एंड अब बनाएंगे जल्दी से फुलके एंड हमारी प्यारी सी थाली तैयार करेंगे एंड सर्व करेंगे पति परमेश्वर को। Still I wait so patiently, your kiss is so heavenly.
बनाने वाली हूँ आलू मेथी। आलू मेथी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसके साथ चना दाल। चना दाल मेरे हस्बैंड की काफ़ी फेवरेट है। जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ पे चना दाल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है एंड वो लोग खट्टी चना दाल बनाते हैं। सो शुरुआत करते हैं चना दाल के साथ। चना दाल मैं लूँगी एक छोटा कप एंड उसको 3 गुना पानी डाल के, एंड इसमें स्पेशल है कि ये सौंफ डालते हैं, फेनल सीड्स, एंड सीजनिंग करके प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। चना दाल है इसमें थोड़ा समय जाएगा, तब तक हम आलू मेथी को तड़का लगा लेते हैं। अभी आलू मेथी को भी मैं मस्टर्ड ऑयल में ही तड़का लगाती हूँ। कुछ कुछ देसी सब्जियाँ हैं जो मुझे मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छी लगती हैं। ये मेथी को कल रात को मैंने साफ़ कर लिया था सोने से पहले, क्योंकि उससे बहुत काम कम हो जाता है। आप भी ऐसे कर सकते हैं छोटी मोटी चीज़ें। इसके तड़के के लिए सिर्फ प्याज, हरी मिर्च एंड टमाटर ही यूज़ होगा। एंड अभी इस मेथी के पत्तों को अच्छी तरह वॉश करके हम बहुत बारीक काट लेंगे। तड़के के लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल में जीरा डाल दिया है, उसके बाद अनियन थोड़े कुक होंगे। ये सूखी सब्ज़ी है, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह कुक करने की ज़रूरत नहीं है। जब ट्रांसलूसेंट होते हैं तो आप इसमें सीजनिंग ऐड करें, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी एंड नमक। उसके बाद टमाटर ऐड कर देते हैं, इसमें टमाटर के चंक ऐड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड देन जब यह कुक हो जाता है इसमें हम ऐड कर देंगे मेथी। अभी ये है कि मैं जब कुक कर रही हूँ ना, तड़का लगाती हूँ, उसके साथ साथ ही मैं कटिंग का काम कर लेती हूँ, क्योंकि इससे काफ़ी क्विक हो जाता है काम। आप पे है कि अगर आप ये कटिंग का काम रात को करना चाहते हैं ताकि अगले दिन आपको आसान हो जाए, तो वो भी कर सकते हैं। अभी मैं आलू को डाल के 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह सेक लूँगी, लाइक फ्लेवर सा आ जाए। उसके बाद मेथी भी ऐड कर देंगे एंड इसको कुक कर लेंगे जब तक ये पानी पूरा सूख नहीं जाता एंड आलू गल नहीं जाते। आलू मेथी तैयार है, जल्दी से दाल को तड़का लगा देते हैं। दाल को तड़का लगाने के लिए ऑलिव ऑयल ही यूज़ किया जाएगा। इससे मैं डाल रही हूँ जीरा, देन गार्लिक, उसके बाद अनियन डाल देंगे क्योंकि दाल तड़का है ये। जब अनियन अच्छे ब्राउन हो जाते हैं तो फिर उसमें सीजनिंग ऐड करेंगे, अपनी पसंद की ऐड करें, एंड देन टमाटर। वंस ये तेल छोड़ देगा टमाटर, तो मैं इसको दाल में ऐड कर दूंगी। एंड हम डालेंगे हरा हरा धनिया, क्योंकि ये जो येलो दाल है ना, ये बिना धनिया के बहुत ही गरीब सी लगती है। अब जल्दी से फुलका बना लेते हैं एंड पति की थाली सजा देंगे सबसे पहले। We'll be right back.
सो वेडनेसडे की बारी है। आज मैं बनाने वाली हूँ लंगर स्टाइल दाल एंड गोभी कीमा। गोभी कीमा मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद नहीं है, इसलिए मैं लंगर स्टाइल दाल बना रही हूँ। सो लंगर स्टाइल दाल बनाने के लिए मैं 4-5 किस्म की दालों को भिगो देती हूँ पिछली रात, क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, कुकिंग का प्रोसेस थोड़ा छोटा हो जाता है और अलग सा मज़ा आता है। अगर आप इस तरीके को ट्राई करेंगे ना, मुझे बताना कि आपको फ्लेवर्स में डिफरेंस पता चला या नहीं। सच में बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। सो जो भी आपकी पसंदीदा दालें हैं, जैसे लंगर में होता था ना, जो भी दाल डोनेशन में आती थी या जो भी लंगर जो भी गुरुद्वारे में अवेलेबल होती थी, वो सारी मिक्स करके एक दाल बनाते थे। नेक्स्ट मॉर्निंग इसमें सीजनिंग ऐड करके एंड ऑल्सो प्याज एंड हरी मिर्च एंड जिंजर का मिक्सचर ऐड कर ग्राइंड करके वो भी मैं इसी समय डाल दूंगी, ताकि वो कुक होता रहे तड़के के बिना ही। क्योंकि बेसिकली इस दाल में मुझे टमाटर की प्यूरी ही अच्छी लगती है, पर अगर अनियन आप इस तरीके से डाल दें तो अनियन का भी थोड़ा फ्लेवर रहता है। पर इस दाल में आप अनियन स्किप कर सकते हैं अगर आप अनियन के फ़ैन नहीं हैं या अनियन नहीं खाना चाहते हैं। सो दाल मेरी हो चुकी है, बहुत घंटे कुक किया है मैंने इसको स्लो पे। अब इसको सिर्फ टमाटर का तड़का लगेगा। मैं जीरा ऐड कर रही हूँ, उसके बाद सीधा टमाटर, क्योंकि बाकी चीज़ें मैंने सारी दाल में ऐड कर दी थी अर्लियर, गार्लिक भी कर दिया था। सो टमाटर को अच्छी तरह कुक करेंगे, मेरी फेवरेट सीजनिंग्स ऐड करेंगे, सॉल्ट, पेपर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, हल्दी मुझे लग रहा है इसमें नहीं ऐड करेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च कर देंगे एंड इस तड़के को हम करेंगे दाल में ऐड। एंड अब मैं जीरा राइस भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि इस दाल के साथ हिम्मत को बहुत अच्छे लगते हैं एंड मेरी कोशिश होती है कि हर टाइम फ्रेश राइस हो। सो ये राइस को बंद करेंगे, थोड़ा सा सैलड भी तैयार कर लिया गया है एंड अब तैयार करते हैं कीमा गोभी की। सो कीमा गोभी बनाने के लिए मैंने किया है गर्म पानी, पानी को बॉईल कर रही हूँ, उस पर मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है एंड इसमें हम गोभी को एक 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। एक तो वो अच्छा कुक लाइक अच्छी तरह क्लीन हो जाएगी, उसमें अगर कोई कीड़ा वीड़ा हो मर जाएगा, नमक भी उसमें अच्छी तरह रच जाता है। तो हम तड़के की तैयारी करेंगे, इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है जिंजर एंड गार्लिक का फ्लेवर एंड खूब सारे टमाटर। अभी मैं खूब सारा गार्लिक एंड जिंजर कर लूँगी। अभी गोभी मैंने निकाल लिया 5 मिनट के बाद, अब इसको हम कद्दूकस करेंगे। इस काम के लिए मैं मेरे हस्बैंड की हेल्प ले लूँगी, थोड़ा सा मैंने कर लिया, बाकी वो कर देंगे। अनियन को चॉप करके जल्दी से तड़के की तैयारी। सो इसका तड़का भी मस्टर्ड ऑयल में लगाने वाली हूँ मैं। सबसे पहले जीरा डालेंगे, देन हम डालेंगे अनियन, गार्लिक, गार्लिक एंड जिंजर को यहाँ पे मैं बाद में ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि अदरवाइज उनका वो फ्लेवर नहीं फील होता और इसमें हमें उनका फ्लेवर फील करना है। जब ये थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होते हैं, क्योंकि ये वाइट अनियन है, जल्दी कुक हो जाते हैं, जिंजर एंड गार्लिक ऐड कर देंगे एंड देन हम कर देंगे टमाटर, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी है। जब टमाटर पानी छोड़ देता है तो हम इसमें सीजनिंग ऐड कर देंगे, मेरी फेवरेट। एंड देन हम इसमें ऐड करेंगे मटर, जब मटर कुक हो जाते हैं तो गोभी ऐड कर देंगे एंड इसमें मैं थोड़ा सा पाव भाजी मसाला ऐड करती हूँ, उससे एक अलग सा फ्लेवर आ जाता है। और 5 मिनट के लिए हम हमारी गोभी को कुक कर लेंगे। एंड
एंड देन धनिया ऐड करें एंड सब कुछ रेडी है, जल्दी से थाली बना लेते हैं हम। डिलिशियस थाली बहुत अच्छी बनती है ये गोभी, पर मेरे हस्बैंड नखरे करते रहते कि वो मुझे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। नहीं वैसे उनको ठीक लगी थी, पर पता नहीं फॉर सम रीज़न उनको अच्छी नहीं लगती है, एंड लाइक बड़े फ़ैन नहीं है वो इस गोभी के। मुझे अच्छी लगती है क्योंकि ये हर टाइम आप सेम गोभी खाओ ना बोर हो जाते हैं, सो सम टाइम आपका मन करता है कि कुछ डिफरेंट किस्म की हो। सो थर्सडे का दिन है, आज बनने वाले हैं करेले। करेले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे लगता है सबको अच्छे लगते होंगे। एंड इसके साथ मूंगी की दाल बनने वाली है। इसकी रेसिपी ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल सेम है, पहले दिन जैसे मंडे जैसे, तो आप उससे रीकैप कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। सो ये करेले मुझे बहुत प्यारे क्यूट से पिद्दी पिद्दी से मिल गए थे बाज़ार से। इसको सबसे पहले बहुत अच्छी वॉश कर लेंगे एंड देन इसको पील करके काट के अंदर के बीज निकाल के अच्छी तरह नमक लगा के ओवरनाइट रख देंगे। ये पिछली रात है एक्चुअली। सो अगले दिन हम मसाले की तैयारी कर रहे हैं। मैं इसमें सिर्फ अनियन एंड हरी मिर्च ऐड करूँगी, ज़्यादातर मैं यही करती हूँ, पर आज मैं थोड़ा सा टमाटर भी कर लूँगी। अभी इसका तड़का भी मस्टर्ड ऑयल में ही लगाती हूँ। मस्टर्ड ऑयल जब अच्छी तरह हो जाता है तो उसमें हम अनियन को ऐड करके कुक कर लेंगे। एंड ऑल्सो थोड़ा जब अनियन ट्रांसलूसेंट होता है तो मैं इसमें ये जो पील मैंने किए थे करेले के कल वो ऐड कर दूंगी, क्योंकि करेले का जो ये कड़वा सा फ्लेवर है ना मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो ये जो करेले मैंने कल रखे थे इसको निचोड़ के अच्छी तरह पानी हम निकाल देंगे। अभी मेरे अनियन हो चुके हैं तो इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर के बाद जल्दी से हम सारी सीजनिंग ऐड करेंगे अपने स्वाद के अनुसार, पर इस पर मैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी ऐड करती हूँ क्योंकि खट्टास बहुत अच्छी लगती है। वंस ये हमारा मसाला हो चुका है, इसमें मैं कटोरी इसको मैं कटोरी में निकाल लूँगी एंड इसी पैन में मैं ऑयल ऐड कर देती हूँ दोबारा से ताकि वो हीट हो जाए, तब तक मैं इसको करेले में भर देती हूँ। एंड करेले में मसाले को फुल अच्छे दिल भर के भर देंगे एंड उसके बाद धागे से मैं बंद कर देती हूँ ताकि ये जो मसाला है बाहर नहीं निकल जाए। The sky is changing from indigo into blue and I am changing too for the first and the last time the earth is trembling and I am trembling too। ये करेले हमारे हो चुके हैं तैयार, अब यहाँ पे तेल भी तैयार है, इसमें हम करेले को ऐड करके स्लो कुक कर लेंगे अच्छी तरह। अभी ये बहुत पेशेंस का काम है, आपको यहीं पे खड़े रह के कुक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या होता है कि कहीं से ज़्यादा हो जाएंगे, कहीं से नहीं होंगे, कहीं से जल जाएंगे। बहुत सारे लोगों को करेले इसी वजह से अच्छे नहीं लगते क्योंकि जो कुक करता है उसको उसके पास खड़े रह के नहीं करता है, इसीलिए ये बहुत मुश्किल एंड बोरिंग काम है, इसीलिए बहुत लोग कम बनाते हैं कि यार जल ही जाते हैं ये। सो कोल खड़ के प्यार के साथ इसको बनाएं। एंड इसी समय पे मैं आलू छील के आलू में एक कट लगा के इसमें ऐड कर दूंगी क्योंकि इसमें भी हम लेटर मसाला भर लेंगे।
behind me, an orchard ahead. Will you come with me and taste all of it? We'll turn into magpies and fly on fiery wind above it. सो बहुत पेशेंस के साथ एंड ऑफ द डे मेरे करेले बन चुके हैं. अब मैं इसको छोटे पैन में निकाल रही हूँ एंड उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके लिड से कवर कर रही हूँ. इससे जो आपकी करेले जो आपके करेले हार्ड हो जाते हैं ना वो सॉफ्ट हो जाएंगे एंड बहुत मज़ेदार बन जाएंगे. एंड हम अभी आलू में भी मसाले को फिल कर लेते हैं. रोटी बना लेते हैं जल्दी से एंड हमारी प्यारी सी थाली को तैयार कर लेते हैं. एंड इसमें भी मैंगो ऐड करने वाली हूँ क्योंकि करेले एंड भिंडी के साथ मैंगो कुछ एक्स्ट्रा ही स्वाद लगते हैं. सो आज है फ्राइडे वाला दिन, थोड़ा स्पेशल दिन है तो स्पेशल थाली बनेगी. इसमें बनेंगे आलू छोले पूरी एंड रायता. सो आलू छोलों को रात को भिगो दिया था मैंने, आलू को मैंने बॉईल कर लिया है एंड पूरी का आटा मैं थोड़ा स्पेशल बनाती हूँ. इसमें मैं ऐड करती हूँ थोड़ा पिंच बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा ऑयल एंड थोड़ा सा सॉल्ट एंड इसमें कम पानी ऐड करके इसको गूंद के मैं थोड़ी देर पहले ही रख देती हूँ ताकि अच्छी पूरी बने. उसके बाद हम मसाले के लिए तैयार करेंगे खूब सारे टमाटर, जिंजर एंड ऑल्सो हरी मिर्च. इसी को मैं यूज़ करूँगी चने के लिए एंड इसी को मैं यूज़ करूँगी आलू के लिए. आलू के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल में जीरा डाल दिया है. अब ये टमाटर, जिंजर एंड हरी मिर्च वाला मिक्सचर ऐड करके इसको कुक कर लेंगे. जब ये कुक हो जाता है मेरी फेवरेट सीजनिंग ऐड करेंगे, सॉल्ट, जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी एंड थोड़ी सी लाल मिर्ची. एंड इसमें हम उबले हुए आलू डाल के इसको कुक कर लेंगे. इसमें आप ज़्यादा पानी डाल के थोड़ा तरी वाले भी बना सकते हैं, पर मैं चाहती थी थोड़ा ड्राई आलू ताकि मैं उसमें चने में ऐड करके थोड़ा मज़ेदार इफ़ेक्ट बना पाऊँ. सो ये हो गया है तैयार. जल्दी से हम हमारे दूसरा है कि चने को जल्दी से तड़का लगा लेते हैं. अगर आप इस पर बहुत ज़्यादा स्लो वीडियो चाहते हैं तो वो मेरे कुकिंग चैनल पर है, सिमोर कैन कुक पे. पर जल्दी से आपको रेसिपी बता देती हूँ. मैंने ऑयल की ऐड किया है ऑयल, ऑलिव ऑयल. इसमें ये वाले सारे खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ मैं. इसमें है जीरा, बे लीफ है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची एंड दैट्स इट. इसको जब भी ये क्रैक होना शुरू होगा मैं टमाटर एंड अदरक का मिक्सचर डालूंगी. इसमें हरी मिर्ची भी है खूब सारी. एंड जब ये कुक हो जाती है तो इसमें मेरी फेवरेट सीजनिंग ऐड करेंगे सबसे पहले एंड थोड़ा हम करेंगे MDH का चना मसाला अराउंड 1 टेबल स्पून, क्योंकि पूरा प्रेशर कुकर है हमारे पास भरा हुआ. अभी ये चने बॉयल हो रहे हैं, इसी में मैंने चाय पत्ती के पैकेट्स ऐड कर दिए हैं ताकि ये थोड़े काले हो जाएं. अब मैं चने को ये मसाले में ऐड करके मैश कर देती हूँ ताकि थोड़ा गाढ़ा बने. हस्बैंड को थोड़े तरी वाले पसंद हैं, पर लेटर मैं इसको सारा मसाले में ऐड करके स्लो कुक कर लूँगी. रायता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी एंड हैवी सा सामान है, पूरियाँ हैं, तो रायता थोड़ा ठंडा कर देता है. सो जल्दी से थाली हमारी सजा लेते हैं फ्राइडे की. बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बने थे आलू, चने एंड पूरी. अभी इस तरीके से पूरी का आटा गूंदेंगे तो पूरी बहुत मज़ेदार फूल फूल के बनती है. इसकी भी पूरी के आटे की भी रेसिपी होगी मेरे किसी वीडियो में, अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर से देखें. इस तरह हमारे 5 दिन की थालियां हो चुकी हैं पूरी. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर छोड़ना कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा. अगर आप कोई टिप शेयर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं.
एंड मैं आपको मिलूंगी नए वीडियो में जल्दी ही. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ आर ब्यूटिफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग. वी गाइज़ कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. एक बात बताना चाहती हूँ, थैंक यू फॉर बींग अ पार्ट ऑफ दिस 5 दिन की जर्नी. बट मुझे कुकिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है. बट ये है कि जो भी मैं करती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि बहुत प्यार से किया जाए, ताकि जिसको मैं सर्व करूँ उनको खाने में मज़ा आ जाए और कहें कि यार सच्ची बहुत स्वादिष्ट बना. एंड या आपको भी मैं यही कहूँगी कि बहुत प्यार से, खुशी से एंड केयर के साथ करा करें, अदरवाइज़ मत करें. थैंक यू गाइस, आई लव यू, बाय.